आज की कहानी हमें दिल्ली से प्रवीण जी ने भेजी है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को कहानी प्रवीण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं लॉकडाउन लगने से एक या दो दिन पहले ही अपने गांव जो कि यूपी में है वहां गया था। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, मैं अपने दादाजी के यहां गया हुआ था। मेरी उम्र 24 साल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। गांव में जाते वक्त मैं साथ में अपना लैपटॉप भी ले गया था, क्योंकि गांव जाकर साथ में मैं अपने ऑफिस का काम भी कर सकूंगा, यह सोचकर मैं अपना लैपटॉप साथ ले गया था। मैं अपने गांव 5 दिनों के लिए ही गया हुआ था। गांव में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे दादाजी का एक दिन फ़ोन आता है। वह मुझे सारी बातें बताते हैं और गांव आने के लिए बोलते हैं, और दादाजी ने यह भी बताया कि कुछ ज़मीन से रिलेटेड भी काम है तो आना ज़रूरी है। मैंने पहले सोचा था कि गांव नहीं जाता हूं, केवल ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूं दादाजी के अकाउंट में, जैसा कि मैं हमेशा करता हुआ आया हूं। पर दादाजी ने बोला कि कोई ज़मीन से रिलेटेड भी काम है तो आना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अपने गांव पहुंच गया। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पापा नहीं हैं, उनकी मौत तभी हो चुकी थी जब मैं 15 साल का था। मैं दिल्ली में अकेला ही रहता हूँ और गांव में मेरी मम्मी, मेरी दादी और दादाजी ही रहते हैं। सिर्फ मैं अपने घर में एक लौता लड़का हूँ। मेरे दादाजी का भी सिर्फ एक ही लड़का था, वह थे मेरे पापा। अब वह भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। गांव पहुँचते ही मैंने 2-3 दिन में ही अपने घर के सारे काम निपटा दिए। जमीन का काम जो था वह भी पूरा हो चुका था। 2 दिन बचे थे मेरे वापस दिल्ली जाने के लिए। तभी मुझे पता चला कि कल से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है और जिसके कारण सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अब मैं अपने गांव में फंस चुका था, क्योंकि मुझे दिल्ली वापस जाकर अपने ऑफिस का काम जो करना था। हाँ, पर शाम तक मुझे एक अच्छी खबर भी मिली। लॉकडाउन की वजह से मैं अपने ऑफिस का काम अब घर बैठकर ही कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा यह भी ठीक है, अपने घर में फैमिली के साथ भी रहूँगा और साथ में ऑफिस का काम भी हो जाएगा। एक दिन रात में मैं अपने काम करके अपने रूम से बाहर की तरफ निकला। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। मैंने देखा दादाजी एक बच्चे की नज़र उतार रहे थे। उन्होंने लाल सूखी मिर्च ली, उसमें पता नहीं क्या नमक टाइप सा कुछ डाला और कागज में लपेट के उस बच्चे के ऊपर से 7 बार फेर कर वहीं पे जलती हुई आग में उन्होंने उसे डाल दिया। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि बच्चे को नज़र लगी हुई है। जो अंकल अपने बेटे को साथ लेकर आए थे मेरे दादाजी से अपने बेटे की नज़र उतरवाने के लिए, वह अपने बेटे को लेकर वापस चले गए। मुझे बहुत हैरानी हुई यह सब देखकर कि मेरे दादाजी नज़र भी उतारा करते हैं, यह तो मुझे पहली बार पता चल रहा था। मैं इन सब के बारे में अगले दिन दादाजी से पूछना चाहता था और मैंने उनसे पूछा भी, पर उन्होंने मुझे इस बारे में बताने से साफ साफ मना कर दिया। उसी रात मैं यह देखता हूँ कि मेरे दादाजी एक अंधेरी से कमरे में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक हांडी थी। वह जो हांडी थी वह भी किसी मटके की तरह थी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, करवा चौथ में इस्तेमाल करने वाला जो करवा होता है उसी की तरह दिखने वाला वह मटका था, जिसे हम हांडी बोल रहे हैं। और हाँ दोस्तों, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाला जो करवा होता है उस हांडी में सिर्फ एक छेद होता है, पर जो हांडी मेरे दादाजी के पास थी उसमें 4 से 5 छेद थे, चारों अलग अलग डायरेक्शन में थे।
मैं उनके रूम में नहीं गया, मैं बाहर से ही उन्हें देख रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। मैंने देखा वह उस मटके में यानी कि उस हांडी में कुछ ना जाने कैसा सामान डाल रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने उस हांडी को एक काले कपड़े से ढककर बांध दिया। फिर तभी दादाजी उठे और उस हांडी को अपने बाजुओं में छुपाते हुए घर से बाहर की ओर निकल गए। अब मुझे यह सब देखकर फिर अचंभव हो रहा था कि दादाजी यह सब क्या कर रहे हैं। कल उन्होंने उस बच्चे की नज़र उतारी, वह तो चलो समझ में आता है, पर यह क्या बला है। अब मुझे पता था अब मैं दादाजी से इस बारे में पूछूंगा तो वह इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मैंने सोचा क्यों ना अपनी माँ से पूछा जाए, वह भी मेरे दादाजी के साथ कई सालों से रह रही हैं, उनसे ही पूछकर देखता हूँ। मैं अपनी माँ के पास गया और उन्हें कल की और आज की सारी बातें बता डाली और उनसे पूछा कि मम्मी दादाजी यह सब क्या करते हैं, मुझे बताओ इन सब के बारे में। एक बार को तो मेरी माँ ने भी मुझे बताने के लिए मना कर दिया, पर मैंने कैसे भी करके जिद करते हुए आखिर में उनसे इन सब के बारे में पूछ ही लिया। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारे दादाजी काला जादू करते हैं और वह यह सब काम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही किया करते हैं और लोग इन सब के बदले में उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। मेरी माँ ने बस इतना ही बताया मुझे और मैं फिर वहाँ से चला गया और मैं वापस आकर अपने रूम में काम करने लगा। मुझे माँ की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे काले जादू वगैरह इन सब पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं सोच रहा था शायद दादाजी यह सब काम केवल पैसों के लिए ही किया करते होंगे, शायद दादाजी लोगों का पागल बनाते हैं और लोगों को झूठी तसल्ली देकर यह सब किया करते होंगे कि सब सही हो जाएगा और उनसे इन सब के बदले में पैसे ले लिया करते होंगे। देखो मैं कैसी कैसी बातें बता रहा हूँ आप सभी को अपने दादाजी के बारे में, इसलिए मैंने आप सभी को अपने गांव का नाम भी नहीं बताया। फिर उसी दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आप यह सब काम क्यों किया करते हो। मम्मी ने मुझे सब बता दिया है, अब मुझे आप भी बताइए आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो और लोग आप पर इतना विश्वास कैसे करते हैं। मेरे दादाजी ने बोला, बेटा तुम नहीं समझोगे इन सब के बारे में, क्या झूठ है क्या सच है बस ऊपर वाला ही जानता है। मैं कौन होता हूँ और तुम कौन होते हो बताने वाले की क्या सच है और क्या झूठ है। जो हो रहा है होने दो बेटा, यह सब मोह माया है, इन सब से दूर ही रहो तो सही रहेगा। फिर उसके अगले दिन रात में मेरे दादाजी अपने कमरे में अंधेरे में बैठे हुए फिर से पता नहीं क्या कर रहे थे उस हांडी के साथ, और हांडी को काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और गांव में सभी लोग 7 बजे ही सो जाया करते थे। मैं अपने रूम में ऑफिस का काम कर रहा था, फिर से मुझे अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी तो मैं बाहर आकर देखने लगा कि यह किस चीज़ की आवाज़ है। फिर मैं अपने दादाजी को देखता हूँ, दादाजी घर के पीछे चोरी छुपे जाते हैं उस हांडी को हाथ में छुपाते हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे छुप छुप कर आ रहा था, उनका पीछा कर रहा था। मैं देखता हूँ मेरे दादाजी घर के पीछे पहुँच जाते हैं और वह पता नहीं कैसे मंत्र बुदबुदाते हैं, पढ़ते हैं और उस हांडी को एक हाथ में लेकर ऊपर उठाते हैं और फिर वह हांडी हवा में उड़ने लगती है। फिर उसके बाद वह हांडी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है और फिर मेरे दादाजी दोनों हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और फिर वह हांडी गायब हो जाती है। दोस्तों कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, कहानी के एंड में आप सभी को इस हांडी की विद्या को कैसे किया जाता है
इस बारे में आप सभी को कहानी के अंत में पता चल जाएगा। तभी मेरे दादाजी घर की तरफ वापस लौटे, मैं भी तुरंत वहाँ से उल्टे पैर भाग लेता हूँ और वापस आकर अपने रूम में काम करने लग जाता हूँ। फिर उसी रात हमारे गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। मेरे घर से 5 घर छोड़कर एक घर था, वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती थी और उसका 24 साल का लड़का रहता था, उसका नाम रोहन था। रात के 1 बज रहे थे। रोहन और उसकी माँ दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे और फिर तुरंत ही रोहन को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके घर के बाहर है, कोई उसका गेट खटखटा रहा है और उसे पायल की भी आवाज़ सुनाई देती है। उसका डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब फिर से कोई दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा था। माँ गहरी नींद में थी। माँ को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो रोहन ने सोचा माँ को उठाना सही नहीं होगा, तो वह खुद ही दरवाजे की तरफ गया। रोहन बोलता है, कौन है? दरवाजे की उस तरफ पर बाहर से कोई जवाब नहीं आता, बस रोहन को पायल की आवाज़ आ रही थी। रोहन अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। रोहन की फट के 4 हो चुकी थी। रोहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे डर लग रहा था कि आखिर इतनी रात को भला कौन आया होगा। तो उसने सोचा कि मैं वापस जाकर अपनी माँ के पास सो जाता हूँ। वह जैसे ही मुड़ा अपने कमरे की तरफ जाने के लिए, तभी दरवाजे के बाहर की साइड से आवाज़ आई, रोहन, रोहन। बाहर से जिस लड़की की आवाज़ आ रही थी, वह लड़की 2 बार रोहन का नाम पुकारती है, पर रोहन उसका कोई जवाब नहीं देता है। फिर वह लड़की 3री बार बोलती है, रोहन। फिर रोहन पीछे मुड़कर उसको जवाब दे देता है और तभी रोहन बेहोश हो जाता है और उसकी दिल की धड़कनें एकदम से बंद हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर रकड़ जाता है, आंखें भी बाहर आ जाती हैं और रोहन की पल भर में मृत्यु हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह रोहन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसकी माँ कही जा रही थी, मेरे बेटे को पता नहीं किसने मार दिया, किसने मार दिया, पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, आँख क्यों नहीं खोल रहा ये, मर गया क्या? रोहन की माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। आसपास के पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। वह सभी हैरान हो गए थे रोहन की ऐसी हालत को देखकर। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई चोरी का मामला है। बिल्कुल भी रोहन की लाश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि रोहन के साथ किसी ने हाथापाई की हो या फिर रोहन को किसी ने जानबूझकर मारा हो। उसका बेजुबान शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके शरीर पर एक भी खरोंच तक नहीं थी। तभी लोगों की भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आया और बोला, देखो रोहन का गला नीला पड़ रहा है और उसके पैरों के दोनों अंगूठे भी अभी अभी नीले पड़ रहे हैं और उसके हाथ के भी दोनों अंगूठे नीले पड़ चुके हैं। अब यह पूरा पूरा सीधा जवाब है कि रोहन की मृत्यु हांडी विद्या के द्वारा ही की गई है। आखिर ऐसा कौन करेगा? वहीं खड़े कुछ लोगों ने उस आदमी से कहा। फिर लोगों को ध्यान आया मेरे दादाजी के बारे में। गाँव वालों को भी पता था मेरे दादाजी हांडी वाली विद्या किया करते हैं और पूरा गांव मेरे दादाजी से डरता भी था। यह सब बात मुझे कई सालों बाद पता चल रही थी। आखिर ऐसा भी होता है गांव में और यह सब मेरे दादाजी कुछ किया करते होंगे। आखिर काला जादू करके क्या मिलता है लोगों को? कुछ पैसे और दूसरे की बददुआ, बस और कुछ नहीं। फिर वहीं खड़े भीड़ के लोग मेरे दादाजी के पास आए। उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया और इन सब के बारे में पूछा। मैं भी वहीं खड़ा था। मेरे दादाजी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद सब लोग वापस चले गए। फिर मैं थोड़ी देर बाद उस आदमी के पास गया जो मेरे दादाजी से इन सब के बारे में बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अंकल क्या बात है, क्या हो गया गाँव में? तो अंकल ने बताया कि तुम्हारे घर के ही पास में रहने वाले एक लड़के की मौत हो गई है। मैंने पूछा, कैसे हुई अंकल उसकी मौत? उन्होंने बताया कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है, वह भी किसी ने काला जादू करके
हांडी विद्या का इस्तेमाल किया गया है उसकी मौत लेने के लिए। मैंने पूछा यह विद्या क्या होती है। उन्होंने बताया कि अगर हमें किसी को भी मारना होता है या किसी से दुश्मनी निकालनी होती है तो हम उस इंसान को हांडी विद्या के द्वारा मार सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा, अंकल इन सब पर आप विश्वास करते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हरकतें और ऐसी ही काली विद्या आजकल गांव में बहुत होती रहती हैं। फिर वापस मैं अपने घर आ गया और मैं अपने लैपटॉप पर काम करने लग गया। मैं सोच में पड़ गया था कि कल रात ही तो दादाजी हांडी वाली विद्या कर रहे थे। मैं पूरी यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे दादाजी वह काली विद्या ही कर रहे थे रोहन को मारने के लिए, पर मुझे शक हो रहा था क्योंकि कल रात ही मेरे दादाजी घर के पीछे जाकर उस हांडी के साथ कुछ न कुछ तो कर रहे थे और देखने से ही लग रहा था दादाजी कुछ तो बुरा कर रहे हैं। मैं फौरन अपने दादाजी के कमरे में गया, उनसे पूछा यह कि जो वो आदमी आया था और उस लड़के की मौत के बारे में जो बता रहा था उस बारे में आपका क्या कहना है? दादाजी बोले, तुम इन चक्करों में मत पड़ो बेटा, तुम अपना काम करो। ऊपर से यह लॉकडाउन लग गया और तुम अपना काम भी नहीं कर पा रहे और दिल्ली भी वापस नहीं जा पा रहे हो। मैंने दादाजी से बोला, यह हांडी विद्या क्या होती है, किसने बताया तुम्हें इस बारे में? मैंने बोला, मैंने उन अंकल से पूछा था जो आपके पास उस लड़के की मौत के बारे में बताने के लिए आए थे। मेरे दादाजी ने बोला, इन सब के बारे में मत पूछो बेटा, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इससे किसी की भी मौत जा सकती है। मैं तुरंत अपने दादाजी से पूछा, कल रात आप उस हांडी के साथ क्या कर रहे थे और अपने घर के पीछे जाकर उस हांडी को हवा में कैसे उड़ा दिया? कहीं आपने ही तो रोहन को मार तो नहीं दिया? कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? तुम जाओ बेटा, अपना काम करो, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। मैं समझ चुका था दादाजी की आंखों में गुस्सा और थोड़ा डर मैं आसानी से देख सकता था और वह साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। फिर मेरे पास बस एक ही रास्ता था, मेरी मम्मी। फिर बाद में मैं इन सब के बारे में अपनी माँ से पूछा। मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी माँ से सब कुछ उगलवा ही लिया। माँ ने बताया कि हाँ यह सब तेरे दादाजी ने ही किया है, उस लड़के की मौत तेरे दादाजी ने ही ली है। मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे कोई किसी की भी मौत ले सकता है। मेरी माँ ने उस हांडी विद्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि हांडी विद्या कैसे की जाती है और कैसे लोगों को मारा जाता है और कैसे लोगों को परेशान किया जाता है। मैंने पूछा, मम्मी दादाजी ने ऐसा क्यों किया? मम्मी बोली, जिस लड़के को तुम्हारे दादाजी ने मारा है उसकी ज़मीन तुम्हारे दादाजी को हड़पनी है। पहले तुम्हारे दादाजी ने उसी लड़के के बाप को भी इसी तरह से मारा था और अब उसी तरह से इस लड़के की भी जान ले ली है। मैं अपनी माँ से पूछा, क्या लोग यहाँ पर एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए आपस में एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं? मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम इन सब चीज़ों को अभी नहीं समझ सकते। दोस्तों, मुझे प्रवीण जी ने हांडी विद्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बेशक उन्हें पता होगा, पर अब मैं आप सभी को हांडी विद्या के बारे में बताऊंगा। तकरीबन 7 महीने पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी, काले जादू की सच्ची डरावनी कहानियाँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ दोस्तों, अब मैं आपको उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा। इस विद्या का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यदि कुछ भी गलती हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। इस विद्या का प्रयोग करने से पहले 4 प्रेतों को सिद्ध करना पड़ता है, या कह सकते हैं गुलाम बनाना पड़ता है। उस हांडी के अंदर 7 प्रकार की दाल, सिंदूर, खून व एक जलता हुआ दिया रखा जाता है। उसके बाद जिस आदमी को मारना होता है या फिर उसे बर्बाद करना होता है, उसकी कोई चीज़ जैसे बाल, नाखून, कंघा और अगर कुछ ना हो तो उसका नाम और पता एक पर्ची में लिखकर उस हांडी में रखा जाता है। फिर उन प्रेतों को आदेश दिया जाता है कि वो उस हांडी में बैठ जाएं और उस आदमी को मार डालें या फिर बर्बाद कर दें। फिर
मंत्र के द्वारा उसे आकाश में उड़ा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको वो मंत्र नहीं बता सकता। तो दोस्तों, अगर आप सभी को इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उस पर क्लिक करके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।